अब ये जो हमारी टेबल थी इसका भी मुझे थोड़ा सा लुक चेंज करना था और मैंने इसके लिए कुछ DIYs भी बनाए थे ताकि मैं इसे चेंज कर दूँ। इसे मैंने ऑर्गेनाइजेशन पर्पज़ के लिए बनाया है और हालांकि मुझे इसे सर्विंग पर्पज़ के लिए नहीं यूज़ करना है, लेकिन वो भी मैं आपको बता दूँगी कि ये कितना स्ट्रॉन्ग है कितना नहीं है। लेकिन मैं फिर भी यही सजेस्ट करूँगी कि आप इसे डेकोरेशन पर्पज़ के लिए बनाइए, बट अगर आपको सर्विंग पर्पज़ के लिए ही बनाना है तो आप MDF का यूज़ कीजिए। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और मैं आपको इसमें ग्लास वगैरह रख के भी दिखा दे रही हूँ कि ये टूटने वाली नहीं है, काफ़ी अच्छे से चिपकी हुई है। आप लोगों को हैंडल्स को लेके भी डाउट था तो वो भी शायद यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। तो मजबूती की टेस्टिंग तो होती रहेगी, हम बात कर लेते हैं अपनी टिप्स की। तो जब भी आप टेबल के ऊपर कुछ डेकोरेट करिए तो उसे इस तरह की डेकोरेटिव ट्रेस के साथ रखिए, इससे ना सारी चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज दिखती हैं और क्लीनिंग में भी आसानी हो जाती है। आपको एक एक सामान हटाना नहीं होता है, एक ही बार में आप पूरी ट्रे हटा के टेबल को क्लीन कर सकते हैं।